डिप्लोमेटी का कॉन्सेप्ट समझना। ऑल ऑफ यू मस्ट सिंग एक्टिवली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेटी। कॉन्सेप्ट आ गया तो सब कुछ कर पाओ। ओके, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डिप्लोमेटी आपको ये बताना कि पंडित पति जो है के साथ मेरे पास आपको कुछ नहीं बोलोगे। प्लीज लिसन टू मी, क्योंकि आज जो मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए इजी स्टेप बताना है ना, हम एनटीएससी वाले बच्चों को बताते हैं, आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। प्लीज लिसन इट वेरी केयर। सबसे पहले साइन कॉस टैन कॉट सेकेंड टू सेकेंड, ठीक है जी। साइन थीटा की वैल्यू पी बाय एच, कॉस थीटा की वैल्यू पी बाय एच। इट्स रिक्वेस्ट टू यू प्लीज डोंट से एनीथिंग, ऑनलाइन बच्चों को आवाज नहीं जाती। tan theta मेरे पास p by b, बाकी सब इसके रेसिप्रोकल, एवरीथिंग इज रेसिप्रोकल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, cos theta है और sin theta है greater than equal to minus 1, less than equal to 1, greater than equal to minus 1, less than equal to 1, ठीक है। यानी sin की मिनिमम वैल्यू माइनस वन, कॉस की मिनिमम वैल्यू माइनस वन बट मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। लेकिन अगर हम टेंथ की बुक के हिसाब से देखें, वो मिनिमम वैल्यू जीरो को भी ले लेता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है? कि आपके जो एंकल्स के साथ वैल्यूज होती है ना, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जीरो होता है, ये 19 आवर, ये 180 होता है, ये 270 डिग्री और ये 360। ऐसे एंगल मूव करते हैं, घड़ी मूव करती है ऐसे, ऐसे एंगल मूव करते हैं। इस क्योंकि आप 360 से ज्यादा आपने एंगल जाना ना, पूरे पीरियड होना शुरू हो गया। एक सर्कल में ही घूमते हैं, उसके बाद वैल्यूज क्या होती है? रिपीट। तो क्योंकि आपका जो वैल्यू है, आप जो बड़ा आपकी जो साइन कॉस वगैरह की वैल्यू शुरू है ना, तो बेटा जीरो से लेकर 19 तक सिर्फ वैल्यू आप जो इवैल्यूएट करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ठीक होता है। तो इसीलिए कई बार ऑप्शन माइनस वन ना देके ना आपको एमसीक्यू में जीरो भी दिखे, माइनस वन नहीं देते, वो जीरो दे देते, तो आप तब जीरो भी लिख सकते। ओके, क्लियर। बट मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि आपने माइनस वन टू वन तक जाओ, आपके लिए मिनिमम वैल्यू माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू वन। ओके, पहली बात। फिर बेटा आपको किसी भी, मान लो कई बार होता है आपको घर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू साइन विल नॉट एक्सेप्ट, आपको वैल्यू देगी माइनस थ्री बाय सेवन, सेवन बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय फाइव, आपको देख के पता लगना चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी में हम कराते थे वैल्यूज लाइज बिटवीन जीरो टू वन, सेम साइन में भी वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, कॉस में भी माइनस वन टू वन। साइन कॉस का ही हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन, और किसी का साइन, सब कुछ साइन कॉस से निकला। टैन कहाँ से बना है? साइन बाय कॉस। तो टेंशन नहीं थी, समझ आ गई थी मेरी बात। अब कॉट होता है, पहली बात ये थी। अब आपको अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड जाऊं, उसमें रेशियो की बात की थी, कैसे बात की थी? आपके पास साइन की वैल्यू 1/2 है और आपको कहा कॉस निकालो, है ना। तो कुछ नहीं करना, आपने चुपचाप शॉर्ट कर कोई के नहीं लेना, तो कुछ नहीं लेना, क्योंकि जब एमसीक्यू क्वेश्चन है
आप सीधा बोलोगे पी वन एच टू बी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख के बता दू सीधा फोर माइनस वन रूट थ्री, तो कॉस थीटा मेरे पास रूट थ्री बाय सीधा निकालो, ठीक है, कोई इसमें टेंशन नहीं पा रहा तो बिल्कुल साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू वन। अब वहां से मैंने तो इसीलिए बताया तो साइन कॉस के लिए ना टेन चाहिए होगा तो रेशियो वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए बेटर है टू बाय दस। हाँ जी दक्ष बोलो, बताओ ऑब्वियस है तो जो ऑप्शन दिया एंगल में दिया तो एंगल वाली देखोगे बेटा, वैल्यूज की दी है तो वैल्यूज वाली देखो, और अगर एंगल्स में दी है तो ऑब्वियस है वहां थीटा पूछा जाएगा cos थीटा थोड़ा पूछा जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है ना। हाँ जी फिर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो नेक्स्ट है आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज में मेरे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर मेरे पास हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosecant स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज यूज होती है दूसरा बेटा। मेरे पास जैसे मैं कहती हूँ कि उस secant थीटा अगर 1 ओवर sin थीटा के बराबर है, secant थीटा 1 ओवर cos थीटा के बराबर है, tan थीटा 1 ओवर cot थीटा या cot थीटा 1 ओवर tan के इक्वल है। एक और चीज है मेरे पास, tan थीटा इज इक्वल टू sin बाय cot और cot थीटा इज इक्वल टू sin। एक अब जो मैं आपको नई चीज बताने लगी हूं दैट विल हेल्प यू टू क्लियर जो है और सॉल्व द क्वेश्चन जो है स्पीडली, तो उसके लिए बेटा देखिए मैं क्या बताने लगी हूँ, लेट अस सी। मेरे पास हो गए वेरी गुड वेरी गुड, उसके लिए बताओ अपना एक हेक्सागन बनाते हैं, ये देखिए डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं साइन कॉस tan cot cosecant secant। अब देखो मुझे कोई वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करती हूँ अगर मुझे tan निकालना इसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव तो उसको डिवाइड कर दो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अगर मैंने साइन निकाला कॉस थीटा बाय कॉस थीटा आप करके देख लो अपने आप आएगा, इसका क्या बेनिफिट है करने वाले क्वेश्चन में बहुत बेनिफिट है, इसे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी कर देगा। नेक्स्ट मुझे कॉस थीटा निकालना है किसी एक की वैल्यू निकालनी है उसके अगले दो को डिवाइड कर दो, अगले दो को डिवाइड कर दो बस और कुछ भी, दोनों जगह ट्रू होते
क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज साइन थीटा निकालना है। अगर मैं देखूं तो tan y secant, तो आप करके देख लो अपने आप वो भी साइन थीटा ही बने, दोनों तरह से बिल्कुल बिल्कुल। अगर cos थीटा निकालना है तो secant थीटा और secant थीटा अपने आप cos / sin बन जाएगा, करके देखो तो secant का क्या निकालना है, secant over tan क्या क्वेश्चन है, तो पूरे बोले आइडेंटिटी यूज करोगे इधर, अभी तो लॉजिक बता रही आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रही, व्हाट कैन बी द राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू व्हिच साइड, आपको सिर्फ बातें करनी आती है आपको सिर्फ और कुछ नहीं, 1 ओवर साइन, 1 ओवर साइन क्या होता है, उसी को 100% हुआ है ठीक है, यूज कैसे होते हैं जब क्वेश्चंस कराओगे दैट आई विल टेल, और मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता है 90 का कांसेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट, वो एक्सरसाइज नहीं आनी ठीक है जी। अब मैं आपको करवाने लगी हूं क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस ठीक है, पहले एग्जांपल है, मैं बार-बार कह रही हूं आई विल डू एग्जांपल फर्स्ट ही, आफ्टर देन वी विल डू द अदर को ठीक है जी। चलिए मेरे पास है एटी सेवन पेज है आपकी बुक का, लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, वेरी इजी, first question is cos a is equal to 4/5 then tan a is, हाँ जी अगर मैं बोलो, हाँ जी मैं आपको बताऊं tan जो है वो secant के साथ correlate है, हाँ जी secant square a plus 1 oh sorry मेरे पास तो है 1 plus tan square a secant से भी इक्वल होता है 3-1 अंडर रूट, ये cos की है, cos को मैं उल्टा कर सकती हूँ 5/4 स्क्वायर माइनस 1 25-16 बाय 4 में बाहर ही गया क्योंकि 16 का अंडर से आ गया 4, ये कितना आया 9 का रूट 3/5। एक मेथड ये, एक मेथड अभी मैंने पहले बताया कि cos है by x, p निकाल लो, tan ले लो, p by जिस मर्जी मेथड से कर लो, दिमाग लगने की बात है उस टाइम, cos cos चलो नेक्स्ट बेटा सेम जैसे ये साइन दिया मुझे a b के फॉर्म में दे दिया और कहा गया cos थीटा निकालो, वेरी इजी टू डू, एक जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि पेपर में पक्का आता ही आएगा, बोर्ड के पेपर की बात कर रही हूं ठीक है, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, दैट इज cos अल्फा प्लस थीटा cos alpha plus beta is zero then sine alpha minus beta reduces to, ये किसमें reduce होगा, हाँ जी ध्यान से देखना मेरे पास वो है cos alpha plus beta, cos की वैल्यू जीरो कब होती है, नाइन यानी alpha plus beta 90 डिग्री, ऑप्शन देखूँ ना तो मेरे आंसर अल्फा में भी है बीटा में भी है, मैं ऐसे करती हूँ 90 माइनस इसको बीटा ले लेती हूँ या बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, कुछ भी ले सकती हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बीटा की जगह वैल्यू 90
मेरे पास टू ए नाइनटी प्लस अल्फा साइन टू अल्फा माइनस नाइनटी, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं हो सकती क्योंकि तीन ही होगी। तो इसका मतलब मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि मुझे पता था मैं क्वेश्चन करा सकती हूँ एनटीएससी है ना। तो अल्फा की वैल्यू निकालते 90 माइनस क्या दैट विल बी अल्फा। बट पेपर में आपको ये भी ऑप्शन दी जा सकती है क्योंकि आगे 90 वाला कॉन्सेप्ट है वो सिलेबस में यूज नहीं होगा। ओके जी क्लियर। बाकी कल करेंगे बेटा। यस विस्मन, यस बेटा विस्मन। मैम कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा हियर। बेटा उसके लिए सेकंड ऑप्शन दी होनी जरूरी है। साइन कॉस में दो ही फिक्स, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। आई विल टेल यू टुमारो। ओके ओके मैम।